नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए जॉर्ज ओरवेल की बुक द रोड टू विगान पियर का चैप्टर सेकंड डाउन द माइंड ऐसे है जो उसकी समरी हिंदी में लेकर आए हूँ। इस ऐसे की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। बैकग्राउंड देखते हैं कि जनवरी 1937 में जॉर्ज ओरवेल के पब्लिशर विक्टर गोलनाइज ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दी कि आप जाइए और नॉर्दर्न इंग्लैंड के डिप्रेस्ड एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक स्टडी कर आइए। एक साल बाद इस स्टडी का परिणाम ही बुक बनी जिसका नाम है द रोड टू विगान पियर। ये एक क्लासिकल लिटरेरी जर्नी है जिसे कि 1930s के नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड की लिविंग और वर्किंग कंडीशन के ऊपर एक इम्पोर्टेंट सेमी डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट माना जाता है। डाउन द माइंड ओरवेल्स रोड टू विगान पियर का सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर में ओरवेल जो है वो एक कोल माइन के में जाकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोल माइनर कोयला खदान में काम करने वाला श्रमिक होना कैसा लगता है, क्योंकि ये जो कोयला माइनर थे ये ब्रिटिश सोसाइटी को उस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि ये कोयला प्रोड्यूस कर रहे थे और कोयले से ही सब कुछ बन रहा था। ओरवेल हमें माइन के बिल्कुल अंदर तक लेके जाता है और वो हमें उन कोयला श्रमिकों की लाइफ के बारे में बताता है जिनके लाइफ इज लाइक ए इन्फर्नो, एक हेल है, जीता जागता नरक है जिनकी लाइफ। वो हमें उस डर्ट, उस गंदगी, उस कन्फ्यूजन के बारे में बताता है, उस अंधेरे संसार का एक जबरदस्त पोर्ट्रेट प्रेजेंट करता है और हमें बताता है कि वो पोर्ट्रेट किस तरह से हमसे रिलेट करता है। ओरवेल कहता है कि इनकी वर्किंग कंडीशन बहुत बुरी हैं क्योंकि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, अंडरग्राउंड बहुत गर्मी है, बहुत डस्ट है और उनके पास जगह भी बहुत कम है और ये काम बड़ा खतरनाक है क्योंकि इनको डायनामाइट से काम करना पड़ता है और टनल्स भी बड़ी कमजोर होती हैं। वो बताता है कि कोयला माइनर को वो बताता है कि कोयला जो है ना वो एलिवेटर के ऊपर नहीं आता है बल्कि वो एलिवेटर से कई मील नीचे रहता है और टनल 3 से 4 फुट उनकी होती है। इसका मतलब है कि इनको ना केवल कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है बल्कि इन्हें बहुत ज़्यादा घूम घूम के जाना पड़ता है। और वो कहता है कि इस भूल भुलैया में जाने में इनको आधा घंटा लग जाता है। ओवरवेल जो ट्रेंड नहीं था उसे तो जाने में 1 घंटा लग गया। माइनर वह श्रमिक के जो मेहनत करते हुए श्रमिक के चेहरे पर जो कोयला लगा हुआ वो पिक्चर बहुत ही शानदार है। सेकंड चैप्टर हमें माइन के अंदर लेके जाता है। हम फील कर सकते हैं कि वो कोयले की जो खादान है दैट इज लाइक हेल, वो एक नरक है। नरेटर को ये भी फील होता है कि जो जो चीज़ें हम नरक में सोच सकते हैं गर्मी होगी, शोर होगा, कन्फ्यूजन होगा, अंधेरा होगा, गंदी हवा होगी और बहुत ही छोटी छोटी जगह होगी, ये सब कुछ यहाँ पर है। फिल्डर का जो काम है वो तो सुपर ह्यूमन दिव्य काम है, ऐसे लगता है जैसे उनकी बॉडी लोहे की बनी हो। नरेटर जो है इनके काम को बड़ा बारीकी से बताता है, कहता है कि फिल्डर तो ऐसे काम करते हैं जैसे कि वो लोहे के बने हो, वो बिल्कुल एक आयरन हैमर लोहे की हथौड़ी की तरह लगते हैं, एक आयरन स्टैचू की तरह लगते हैं जिसके ऊपर एक कोयले की परत लग गई हो जो सिर से पैर तक उनसे चिपकी हुई है। पर वो सब के सब बड़े ही ऊंचे दर्जे के लोग हैं, उनके बड़े बड़े चौड़े सीने हैं, बड़ी ज़बरदस्त उनकी वेस्ट है और उनकी एक शानदार बटक है और उनके ज़बरदस्त थाई हैं जिस पर आपको 1 इंच भी मांस नहीं मिलेगा। आप उस चेहरे को, आप उसकी झलक को एक बार देख लो आप कभी भूल नहीं सकते हो। किस तरह से वो हर पूरे काले से काले होते हैं और वो उनके हाथों में उनके जो शॉवल होते हैं, शॉवल मतलब वो बेलचे होते हैं जिनसे वो काम करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाता है। और माइनर की लाइफ में हर एक स्टेप पर एक खतरा है, कभी वहाँ पे जहरीली गैस निकल सकती है, कभी वहाँ पे छत गिर सकती है, कभी वहाँ पे वो बताता है कि किस तरह से एक बिजली से चलने वाला कोल क्लटर है वो अपना जो कि हॉरिजेंटली चलता है ना कि वर्टिकली चलता है, जिससे कि क्या कहते हैं कि हमारे जो दांतों से वो कुछ ही इंच आगे रहता है। इस तरह से नरेटर ये फील करता है कि माइनर का संसार तो एक अलग ही दुनिया है।
जो द रोड ऑफ विगान पियर है, इसे बहुत सारे लोगों ने एक बहुत ज़बरदस्त रिमार्केबल पीस ऑफ राइटिंग कहा है, जिसने जिसमें ओरवेल ने बिल्कुल अन इमोशनल ऑनेस्टी के साथ सारा कुछ बताया है। ओरवेल की जो टेक्निक है वो बिल्कुल सिंपल है और पॉइंट टू मैटर टू द फैक्ट है कि किस तरह से वो यात्रा जर्न माइन के अंदर गया और उसके साथ क्या क्या हुआ। बड़ी ज़बरदस्त इमेजेस में उसने ये बताया है कि वो किस तरह माइन के अंदर गया, किस तरह उसने कोयले से भरे हुए चेहरे से काम किया, वो शोर, वो गर्मी, वो छोटे छोटी सी एक खतरनाक कंडीशंस। इस चैप्टर में वो जान है, वो जोश है कि वह हम माइनर का जो की जो फीलिंग्स है वो हमें कम्युनिकेट हो जाती हैं, बिल्कुल पिकार्स की डॉक्यूमेंटेशन की तरह है, और जिसे हम कह सकते हैं कि वो डाउन द माइंड है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।